नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एक ऑनलाइन पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आपके बिहार के गोपालगंज जिला में क्या है कि कार्यपालक सहायक की वैकेंसी आई थी और आपका ऑनलाइन आवेदन भी हुआ था, फिर क्या है कि फ्रेंड्स उसको कैंसिल करके फिर से नया विज्ञापन निकाला गया और बताया गया कि 1 अगस्त से आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा और उसकी जो लास्ट डेट होगी वो 31 अगस्त होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद नया विज्ञापन निकाला गया, तो आज हम आपको उस नए विज्ञापन के बारे में बताएंगे, नए विज्ञापन की सारी जानकारी देंगे। और हम आपको बता दें फ्रेंड्स, आप बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, मेल हो या फीमेल हो, अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और हम आपको बता दें फ्रेंड्स, आपकी आयु गणना कब से की जाएगी उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, और साथ में आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। तो सारी जानकारी आपको देंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और सारी जानकारी आपको बताते हैं। और जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं, जो कि ये आज के न्यूज़पेपर में निकाला गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को बता रहे हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आप लोग देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर बताया जा रहा है कार्यपालक सहायक छोटे स्टेंस के पदों पर संविदा पर नियोजन है, तो पहला निर्माण के लिए आवश्यक सूचना, तो ये गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में निकाली गई है। और हम आपको बता दें फ्रेंड्स, आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिसके लिए भारतीय नागरिकों से गोपालगंज जिला हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, वर्ष 2015 में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के विज्ञापन के आलोक में जो अभ्यर्थी अपना आवेदन भरे थे, आप लोग इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि उन्हें भी जिला स्तर पर निर्माण किए जाने वाले पैनल में शामिल होने हेतु इस विज्ञापन के आलोक में पुनः आवेदन भरना अनिवार्य है। तो जो 2015 में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के विज्ञापन के आलोक में जो अभ्यर्थी अपना आवेदन भरे थे, उनको यहाँ पर फिर से ऑनलाइन अप्लाई करना है। और साथ में बताया जा रहा है कि शामिल होने हेतु विज्ञापन के आलोक में पुनः आवेदन भरना अनिवार्य है, पूर्व के आवेदन के आधार पर उनकी अभ्यर्थता विचारणीय नहीं होगी, आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिए आवेदक जवाबदेह होंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जब फॉर्म को फिल कीजिएगा, अच्छे से फिल कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम्स और अपना रोल नंबर वगैरह अच्छे से फिल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि बक्सर डिस्ट्रिक्ट में जब जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, और वहाँ पर क्या है कि कुछ लोगों ने अपना ये बताया था कि हमने क्या है कि अपना रोल नंबर गलत डाल दिया या फिर फादर नेम गलत डाल दिया रिटर्न एग्जाम में, तो उन सभी का कैंसिल कर दिया गया था। ये सब बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आपकी आयु गणना कब से की जाएगी। तो आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर जनरल कैटेगरी के 18 वर्ष हो गए हैं, और जैसे कि हमने आपको बताया 10वीं पास कर लिया है। 1/8/2019 से आप लोगों को आयु गणना की जाएगी। 1/8/2019 को यदि आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हैंडीकेप है 10 वर्षों का छूट दिया जाएगा, 40% वाला सर्टिफिकेट लगाने के लिए। न्यूनतम योग्यता यहाँ पर 10वीं पास मांगी जा रही है, साथ में बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और यहाँ पर निम्न हार्डवेयर भी होना चाहिए। ये ज्वाइनिंग के टाइम आपको काम देगा, जब आप लोग ज्वाइनिंग नियोजन होगा जब आप लोगों का, तो ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो ये हार्डवेयर से आप लेके जाएंगे, ये बात की बात है। उसके बाद मानदेय 11,345 रुपये है, पेपर कटेज की खर्चा कार्यालय देगी, और जो बिल का कनेक्शन का जो नेट का खर्चा आएगा वो आपको देना होगा। और नियुक्ति अवधि आप लोग देख पा रहे हैं, 1 वर्ष की होगी, अगर आपसे सेवा से संतुष्ट रहें तो इसे बढ़ाई भी जा सकती है। पैनल की वैधता यहाँ पर 3 वर्ष रखी गई है। चयन का आधार आप लोग देख पा रहे हैं, जिला स्तर पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा पैनल तैयार किया जाएगा, जिससे नियमानुसार आदर्श आरक्षण रोस्टर के अनुरूप नियोजन की कार्यवाही की जाएगी। सर्वप्रथम कंप्यूटर दक्षता आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर दक्षता यानी कि आपकी कंप्यूटर टाइपिंग जांच की जाएगी, और यहाँ पर कंप्यूटर दक्षता टाइपिंग जांच में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। ये बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया हुआ है गोपालगंज के लिए, और अभ्यर्थियों के मेघा अंक के आधार पर पैनल निर्माण किया जाएगा। लिखित परीक्षा के स्क्रीनिंग प्राकृतिक का होगा, आप लोग देख पा रहे हैं प्रकृति का होगा, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कंप्यूटर दक्षता और टाइपिंग जाँच में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी, और अभ्यर्थियों के मेघा अंक के आधार पर पैनल निर्माण किया जाएगा, और आवेदन लिंक जिला के वेबसाइट गोपालगंज पर उपलब्ध की जाएगी, जिसे ऑनलाइन भरा जाना है। तो आवेदन को आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना फोटो हस्ताक्षर अपलोड करना है, और आवेदन पत्र में वर्णित सभी कागजात दस्तावेजों को आपकी छाया प्रति काउंसलिंग के समय आपको बुलाई जाएगी, तो आप लोग वही डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा जो कि आपके पास प्रेजेंट टाइम में होंगे। और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट यहाँ पर 1/8/2019 से 31/8/2019 बताई जा रही है, शाम 5 बजे तक। तो 1/8/2019 को लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने का, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वहाँ के पदाधिकारी को
ये अधिकार रहेगा कि पैनल किसी भी समय रद्द किया जा सकता है, तो ये वार्निंग दी जाती है लास्ट में। तो आई होप दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियो को देखते रहिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और टेलीग्राम लिंक मिला हो आपको तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, टेक केयर।